HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायपालिका में आदिवासियों की उपेक्षा का मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष उठाया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक भी आदिवासी न्यायाधीश नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर न्यायिक प्रणाली को कैसे सरल, सुलभ, सस्ता और तीव्र बनाया जाए, इसके लिए भी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। मैं उनकी सराहना करता हूं कि आप को आश्वस्त भी करना चाहूंगा, अगर इस कार्य के लिए कोई भी प्रोजेक्ट झारखंड के लिए तैयार किया जाएगा तो सरकार उसे पूरा सपोर्ट करते हुए कार्य को सफल बनाएगी। एक महत्वपूर्ण विषय की ओर उपस्थित महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। झारखंड राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के में आदिवासी समुदाय नगण्य की उपस्थिति एक चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इस सेवा से माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः मैं चाहूँगा आदिवासी बहुल राज्य के लिए वरीय न्याय सेवा के नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान करने का मैं आग्रह करना चाहूँगा। आज हमारे बीच नए माननीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं। मुझे लगता है झारखंड में शायद यह आपकी पहली यात्रा है। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यद्यपि भारत सरकार द्वारा सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम चलाई जा रही है, परंतु ऐसी कोई स्कीम उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो आज राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए जो भवन बनाया गया उसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मेरा इसमें आग्रह है कि केंद्र सरकार भी उच्च न्यायालय के लिए कोई ऐसे स्कीम चलाए जिससे राज्य सरकार को भी आर्थिक रूप से उच्च न्यायालय में जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु एक सहायता मिल पाए। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।